नाथ रथ यात्रा निकलती है। इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ तीन भव्य रथों में सवार होकर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ जो है उसका इंतजार भक्त करते हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते भक्तों को पिछले 3 सालों से इस रथ यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब जो है वो भक्त इस रथ यात्रा में शामिल भी होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। हर साल पुरी में इस रथ यात्रा का विशाल आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी शामिल होती है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए जो गुड़ीचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। बता दें कि रथ यात्रा के मौके पर आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां जो है वो विराजमान है, यानी कि लकड़ी की मूर्तियां। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंचतत्व में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है। माना यह भी जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। 12 साल में जब ये मूर्तियां बदली जाती है तो मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान मंदिर में वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आँखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है उसमें एक चीज वैसी की वैसी ही रहती है, वह है ब्रह्मा पदार्थ। इस ब्रह्मा पदार्थ को पुराने मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये ब्रह्मा पदार्थ। दरअसल ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछलता रहता है। जगन्नाथ मंदिर से जब यह रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने की झाड़ू लगाते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आवाजें आनी बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के पास ये चिताएं भी जलती है। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध आनी बंद हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ा एक और बात ये कही जाती है कि किसी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद में बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ने की मनाही है। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि कितनी भी धूप में इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। साथ ही इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है।
यहाँ बनाने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है, जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले सातवें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है, ना कि सबसे नीचे वाला। और यही इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसे आज भी लोग जो है वो समझ करके हैरान रहते हैं। लाइव इंडिया हरपल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।